आप कॉलेज में स्किल्स पे काम करके, अकेडमिक्स पे भी काम करके, बाकी जो आपके पीछे में वो सब मैनेज करते हुए आप अपना कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे करें? अब देखो, कनेक्शंस के लिए तो वरदान बहुत ही अच्छा, बहुत पहले आ चुका है वो लिंक्डइन। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, इंजीनियर्स अगर कोई लिंक्डइन पे नहीं है ना, तो वो इंजीनियर ही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कारण ये है, पॉइंट वन, तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे बहुत फेक अकाउंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा, इंस्टाग्राम पे रेस्पॉन्स भी आता नहीं है मैक्सिमम ऑफ टाइम या तो क्लिक बेट होता है या कुछ ऐसी चीज होती है। दूसरा तुम्हारे पास बचा फेसबुक। फेसबुक पे ऑल दो ग्रुप्स अच्छे हैं, बट वहां तुम्हें सर्च करना पड़ेगा स्पेसिफिक जो तुम्हारे काम का है, क्योंकि बहुत सारे वहां पर ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आधे लोग तो केवल गुड मॉर्निंग से ऊपर नहीं आए वहां पर, ठीक है। तो ये चीज है, तो वो फेसबुक हो गया। तो अब अगर प्रोफेशनल नेटवर्क की बात आती है, तो लिंक्डइन से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स वेयर यू कैन फाइंड गुड पीयर्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अब तुम्हें वेब डेवलपर चाहिए ना अगर कोई बढ़िया, तो तुम जाओ लिंक्डइन पे वेब डेवलपर सर्च मार दो। सिंपल वेब डेवलपर सर्च मारोगे, तुम्हारे सामने हजार लोग आ जाएंगे। इवन तुम यहाँ बैठे बैठे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेसर से दोस्ती कर सकते हो। लिंक्डइन इतनी पावर दे देता है। लाइक मैं तुम्हें बताऊं, तुमने मेरे काफी सारे जानवी के साथ पॉडकास्ट देखे हैं, जानवी मोदी करके जो, उनके साथ पॉडकास्ट देखे हैं। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, जानवी मोदी मेरे को लिंक्डइन पे मिली थी। हमारा कोई ऐसे पहले कनेक्शन नहीं था, वी मेट ऑन लिंक्डइन। और एक चीज बता देता हूँ, इवन दो जो जॉब ऑफर्स मेरे पास आए थे एक टाइम पे थर्ड ईयर में, वो सारे लिंक्डइन के थ्रू आए थे। डायरेक्ट अप्रोच करते हैं लोग लिंक्डइन पे, इसलिए लिंक्डइन मेरे को सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। तो कुछ नहीं करना यार, दिन का 10 से 20 मिनट का लिंक्डइन रूटीन रखो, जिसमें आप कनेक्ट करो दूसरे लोगों से जो आपके इंटरेस्ट के लोग हैं, और उन आप पोस्ट डालो डेली की। भाई दिन में अपन कुछ ना कुछ तो टेक रिलेटेड काम करते ही करते हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, तुम जो भी तुम्हें समझना है तुम समझो। अब तुम्हें सपोज कोई, तुम नोट्स बनाते हो, नोट्स डालो। मैंने नोट्स डाल के शुरुआत करी थी लिंक्डइन को बनाने में, ठीक है। डेली जैसे आज इंजीनियर्स डे है, तो तुमने छोटा सा किसी का रीपोस्ट कर सकते हो। लिंक्डइन में सबसे अच्छा चीज आती है रीपोस्टिंग की। सपोज आपको किसी का अच्छा लगा, आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, तो आपने उसी की पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया, तो उससे होता यह है आपकी प्रोफाइल एक्टिव लगती है। एक अच्छी प्रोफाइल जो होती है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी प्रोफाइल इमेज, बहुत सारे लोगों ने, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं दिव्या और प्रतीक, मतलब हम जब देखते हैं ना इंटर्नशिप के लिए हायरिंग करने पे मैक्सिमम लोगों को, तुम लोगों ने, तुम तो इस प्रोसेस से ही गुजरे हो, तो तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले हम लिंक्डइन चेक करते हैं कि उस बंदे का लिंक्डइन कितना सॉलिड है, क्योंकि लिंक्डइन से उसका बैकग्राउंड पता लग जाता है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें होती है। एजुकेशन आप अपडेटेड रखो, प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो, पब्लिकेशंस आप अपने डाल सकते हो, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो, वहां हर चीज आप अपडेट कर सकते हो। लिंक्डइन एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल बन जाता है, तो लिंक्डइन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट चीज जो बढ़िया है नेटवर्किंग के लिए, वो है इवेंट्स। जितने इवेंट्स करोगे ना, उतना बेनिफिट है। आप लिंक्डइन पे डालो, आप फेसबुक पे डालो, इवेंट्स करो जिसमें आप दूसरे लोगों से मिलोगे। अभी लाइक सबसे अच्छा इवेंट मैं दो बता देता हूँ, अभी होने वाला है लाइक अक्टूबर में, 4, 5 और 6 अक्टूबर में थॉम्सो होने वाला है IIT रुड़की का। तो आप ऐसे फेस्ट में जाओ जहाँ पर सारे तुम्हारे जैसे लोग आते हैं। अब जब तुम जाके देखते हो ना कि तुम्हारा IITian कल्चर कैसा है, क्योंकि तुम 3 दिन IIT में रहते हो, तो वहाँ का तुम कल्चर देखते हो कि भाई IITians भी कैसे सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं। इट ओपन्स योर ब्रेन। अभी मूड इंडिगो दिसंबर में होता है, दिसंबर में इवेंट्स होता है। IIT मद्रास अलग करवाती है, IIT जोधपुर भी अपना अलग करवाती है, तो सब फेस्ट होते हैं। तो आप वहाँ जाइए, अटेंड करिए। MUN होता है अलग अलग कॉलेजेस में, तो उसमें आप जा सकते हो, क्योंकि तुम अभी ट्रायल बेसिस में हो ना यार। अगर तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तो तुम तो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रायल बेसिस में हो, तो तुम सीखो चीजें। अभी तुम्हें लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। लोड लेना शुरू होता है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, और वो जेन्युइन टाइम में वहाँ लेना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम्हें करियर डिसाइड करना पड़ता है कि अब तुम कहाँ जाना है। तो अभी तो चिल आउट टाइम है, मस्ती करो और घूमो, जितना हो सके एक्सप्लोर मारो। ये मेरा मैं कहूँगा।